आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम सब आशा करते हैं कि आज आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, और अगर नहीं है तो आज का वचन बिल्कुल आप ही के लिए है। इस इवनिंग में हम आज इस विषय के ऊपर ध्यान देने वाले हैं जिसका मैंने शीर्षक रखा है डिवाइन हीलिंग, दैट मींस दिव्य चंगाई। तो आइए हम इसके पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, आइए हम थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। और आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है, जो कि चंगाई की खोज में है, जिसके शायद रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स या फिर घर में कोई भी बीमार है और आप काफ़ी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी चंगाई के लिए, मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी, आप अपने ये वक्त है कि आप खुदा से बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करें, छोटी चीजें मत एक्सपेक्ट करें। यू नो गॉड इज गॉड ऑफ ग्रेटर थिंग्स, है ना। लेट अस एक्सपेक्ट ग्रेटर थिंग्स फ्रॉम गॉड दिस इवनिंग टाइम। लेट अस लुक अनटू द लॉर्ड फॉर ग्रेटर रिवाइवल, ग्रेटर ब्लेसिंग, ग्रेटर हीलिंग दिस इवनिंग टाइम। एंड जस्ट एज वी गेट इन टू दिस टाइम ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वुड लाइक ऑल ऑफ अस टू जस्ट बाव आवर हेड्स इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें और उस परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाएं जिस हम, और क्योंकि हम ये पता है कि हमारी सहायता कहां से आती है, हमारी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हालेलुया। हम आप सबका एक बार फिर परमेश्वर के इस भवन में, इस आज़ादी इंटरनेशनल पेज पे आप सबका स्वागत करते हैं। मैं एक बारी फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो वो ज़रूर इस चैट बॉक्स में रखें। इस सेशन के अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे एंड वी विल बिलीव दैट अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपके घर पर, कोई अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वी विल प्रे अबाउट इट एंड विल एक्सपेक्ट ग्रेटर थिंग्स to happen because our God is God of greater things, and he is God of miracles. He is a miracle working God. Hallelujah. This evening time, let us all bow our head in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक अच्छी चीज़ आपकी ओर से हमें मिलती है, ये घड़ी भी हमें आपकी ओर से मिली है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी दुआओं को सुनिए। हम पिता परमेश्वर चाहते हैं ये इवनिंग में, ये इवनिंग लॉर्ड मास्टर, ये सेशन लॉर्ड एक अनॉइंटिंग भरा सेशन हो, एक हीलिंग भरा सेशन हो, एक पिता परमेश्वर आपकी एक आपकी रोशनी भरा सेशन हो। लॉर्ड मास्टर, हम आपके वचनों को पढ़ें, उसके ऊपर अमल करें और आपके पिता परमेश्वर हम नए बनते चले जाएं। लॉर्ड मास्टर, हम थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस इवनिंग टाइम, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीबडी लॉर्ड मास्टर हु इज जॉइंड विद अस लॉर्ड मास्टर इन दिस प्रेयर टाइम, इन दिस आवर ऑफ प्रेयर। Lord, we thank you, praise you, Lord, for this time. We thank you, praise you, Lord Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence, Lord Master. We want to thank you, Jesus. Hallelujah. We lift your name up, God. Hallelujah. We lift your banner up, Lord Master. Hallelujah. Oh, Lord, we come against all the schemes of the enemy, Lord Master. This evening time, Lord, हम में से जितने भी लोग बीमार हैं, मैं चाहती हूँ हम लोग जहाँ जहाँ आपको अगर तकलीफ है, if you can just lay your hand upon that area, and we will pray about it this evening time. Lord, we seek your face this evening time, Lord Master, for divine healing that is happening, Lord Master, for your divine presence, Lord Master. Lord, thank you Jesus, because in your presence there is fullness of joy, Lord Master. Aapke bhavan mein, aapki maujoodgi mein, Master, aanand ki bharpoori, isliye aapka dhanyawad karte hain. Is evening mein, Lord Master, hum apne aap ko, apni dehi pran atma ko aur jitne bhi yahan pe maujood hain, hum sab ko pita parmeshwar aapke charnon mein rakhte hain. यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए पिता, आमेन और आमेन और आमेन। हालेलुया। थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन। आप सब, हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आपके आस पड़ोस में सब ठीक है, आपके परिवारों में सब ठीक है, और अगर नहीं है तो ये समय है कि हम लोग उनके लिए दुआएं करेंगे। हालेलुया। लेट इज ऑल लुक टू द वर्ल्ड, है ना। हम लोग, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, हमारे अराउंड
लाइक वी आर, हम लोग सराउंडेड हैं पूरी महामारी से, है ना। आई मीन जहाँ देखो वहाँ कोरोना की बातें, जहाँ देखो यही बातें कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जहाँ देखो किसी ना किसी की डेथ है, किसी ना किसी के कोई क्वारंटीन में है, कोई आइसोलेशन में है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट दिस इवनिंग टाइम, एंड आर माइंड यू नो एज बिलीवर्स वी आर सो ट्रबल्ड दिस इवनिंग टाइम दैट हम लोग की क्या करें क्या नहीं करें, हम कैसे लोगों की मदद करें। हम कई बार यू नो अपने खुद अपने लोगों की सहायता कर नहीं पा रहे हैं इसमें, इस तरह की महामारी में जहां हम किसी को मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, तो एक मन सा जो है हमारा ना वो परेशान हो जाता है। एंड दिस इवनिंग टाइम इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। कई बार हम लोगों को बीमारी होती है, कई बार अलग अलग तरीके की बीमारी होती है, बीपी शुगर तो नॉर्मल बीमारियां है ना, एंड वी थिंक यू नो इट इज़ द विल ऑफ गॉड एंड वी एक्सेप्ट इट। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ यू नो जहाँ जहाँ यू नो हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको शुगर हो गई है, यंग यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल्स में हैं। अभी थर्ड वेव जो है ना, दे से कि थर्ड वेव जो चल रही है, यू नो इट्स फॉर चिल्ड्रन, यू नो चिल्ड्रन को लपेटे में लेगी। इट्स सच अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग एवरीवेयर, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज एवरीवेयर, एंड दिस इज द टाइम वी रियली नीड टू सी गॉड फॉर ही ंग दिस इवनिंग टाइम। एंड यू नो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लोग भी बोलते हैं कि नहीं यही परमेश्वर की इच्छा होगी, यू नो यही परमेश्वर की इच्छा होगी करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। एंड आई पर्सनली आई टोटली अग्री ऑल्सो, आई मीन बिकॉज अगर आप मेरे प्रीवियस सर्मन्स अगर आप देखेंगे, उन प्रीवियस सर्मन्स में भी यू नो यू नो आई हैव प्रीच टोटली अपॉन हिज नेम, हिज विल एंड हिज किंगडम, यू नो उसकी इच्छा। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं और हम यही बोलते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही परमेश्वर तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। एंड बट एज बिलीवर्स इज इट गॉड्स विल दैट वी शुड सफर, इज इट गॉड्स विल दैट यू नो हीलिंग विल नेवर हैपन, इज इट गॉड्स विल दैट corona is going to be there for rest of our lives? These are questions, you know, that we need to know as believers this evening time. So if you are ready for this sermon, I would really like you all to, you know, just let me know. If I see Banga Sahab had posted, please pray for my daughter. Her eyes vision is very poor. Please pray and blessed him. Open her eyes. Okay, so we will pray for your daughter, Brother Banga, and we will look into the word before the healing happens. So this is what you know we need to know ki jaise hum log jaise is it really जैसे हम ब्रदर बंगा की डॉटर के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आइज का विजन कम है, इज इट रियली गॉड्स विल दैट शी शुड हैव लेस आइज का विजन? नो, इट इज यू नो लेट अस सीक द लॉर्ड बिकॉज गॉड्स विल, बिकॉज उसकी अगर इच्छाएं, वचन हमें बताता है कि उसकी जो प्लान्स हैं हमारे लिए वो हानि के नहीं है, लाभ के हैं। तो हाउ दिस गॉड, यू नो इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट टू मेक फॉर अ बिलीवर, है ना। दूसरों को भी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज बिलीवर की नहीं नहीं ये तो परमेश्वर की मर्जी थी, राइट। सो लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स एंड लेट अस लुक टुवर्ड्स डिवाइन हीलिंग दिस इवनिंग टाइम। सो फर्स्ट थिंग दैट अ बिलीवर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम किसी भी प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो हीलिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे वो फाइनल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अगर हमारे मन में इतना सा भी संकोच हो, यू सी लिटिल थिंग मैटर्स, यू नो लाइक फेथ ऑफ अ मस्टर्ड सीड मैटर्स, है ना, फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड मैटर, दैट मीन्स अगर एक छोटा सा भी विश्वास हो, जैसे मस्टर्ड सीड के जितना भी विश्वास हो, तो यू नो तो उसकी वो प्रार्थना जो है वो कबूल होती हैं, जो अगर मस्टर्ड के सीड के जितना भी विश्वास हो अगर, है ना। लेकिन अगर मस्टर्ड सीड के जितना भी विश्वास हम गैदर ना कर पाए जब हमारे को तकलीफ है, तो फिर हमारे उस फेथ का कोई फायदा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर संकोच
अगर आपके मन में है कि अगर यू नो लॉर्ड देर आर लाइक दिस एंटायर बुक ऑफ बाइबल यू नो दिस इज फिल्ड विद गॉड्स प्रोमिसेस इफ यू नो दिस बाइबल इज फिल्ड विद गॉड्स प्रोमिसेस फॉर यू एंड मी plans for you and me, plans to prosper you and me, plans not to harm you and me, but to give you and me a very bright future. So how can this bright future hold, sickness? How can this bright future hold death? How is it possible? You know, because our prayers, you know, sometimes, you know, we are not very confident about God. We don't go very confident about God. This is what our problem is this evening time. हम लोग खुद ही हमको खुद ही को कॉन्फिडेंस नहीं है खुदा पे. हमारी जो प्रार्थनाएं वहाँ अच्छा ठीक है परमेश्वर अगर आपकी मर्जी है ठीक करना है तो कर देना नहीं तो नहीं. Bible says, what does Bible say? Bible says कि उसकी इच्छा है कि वो सबको चंगाई देता है. मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. मैं अपने वचन को भेज के तुझे चंगाई दूंगा. Hallelujah. This is the God we serve. मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. Couple of months back, I met with an accident. It was not even an accident. I just fell. I fell and I, but I was not able to get up. तो हुआ ये कि जब मैं गिरी और जब मैं उठने लगी तो मेरे से उठा ना जाए. And but that point of time, you know, one thing that came in my heart was God's word, and that God's word was कि खुदा तू मेरे प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है. And that one verse that I remembered, एक लाइन जो वचन की थी जो मैंने रिमेंबर करी थी वो लाइन help me also not get a fracture on my foot. So it is very important as we are struggling through so many things, it is important to contradict what Satan is trying to tell you. It is important to contradict what Satan is trying to tell you that, and you know, give him a tight slap with God's word. I'll repeat that again. It is important. Aapko वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि आपकी रिपोर्ट में भैया शुगर बहुत हाई आई है. आपकी रिपोर्ट में आपकी डॉटर का विजन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, राइट? आपकी रिपोर्ट में आपका बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता. बट बाइबल सेज मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव सेटन, ऑलवेज गिव सेटन वन टाइट स्लैप गॉड्स वर्ड. जीसस डिड दैट. You know, he did that when he was, जब वो खुद बयाबान में गए और उसके बाद उनको जब वो बयाबान में गए और उनका उसके बाद you know, उनको उनका उनकी आजमाइश के लिए टेम्प्टर लेकर गया तो उस समय यीशु मसीह काफ़ी भूखे थे, है ना? और उसने बोला कि तू, शैतान ने बोला कि तू तू मेरे आगे झुका तो मैं झुक जा तो मैं तेरे को सारी पृथ्वी दे दूंगा, है ना? एंड जीसस सेड व्हाट, कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना. फिर वो कहता है कि चल, उसके बाद 40 दिन तक, क्योंकि यीशु मसीह भूखे थे, उसके बाद वो शैतान ने उनको कहा कि तू ऐसे कर कि तू इन पत्थर को बोल रोटी बन जा तो ये रोटी बन जाएंगे तो तेरी भूख मिट जाएगी. या एंड यू नो व्हाट डिड जीसस से, ही सेड कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन ही but by every word that comes from the mouth of the Lord. Hallelujah. This is the God we serve. So every report, first thing that we need to understand as believers is that hum logon ko kisi bhi tarah ka, agar hum prarthna kar rahe healing ke liye ya kisi bhi cheez ke liye, hum logon ko usme sankoch nahi rakhna hai ki ye nahi. ये है कि अगर आपको रिपोर्ट, अगर आपकी कुछ खराब आ रही है, आपकी किसी भी तरह की रिपोर्ट है, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो शुगर की है, चाहे वो बीपी की है, आपको उसको यू नो यू वी हैव टू बिलीव इन द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड, है ना? हम एक गीत गाते हैं इंग्लिश में, उसका यू नो उसका उसके अंदर इस तरह लिखा होता है कि हुज रिपोर्ट विल यू बिलीव, एंड यू नो एंड एवरीबडी द कॉन्ग्रीगेशन सिंग्स आई शैल बिलीव इन द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. हमको परमेश्वर की रिपोर्ट जो हमारे लिए है उसके ऊपर विश्वास करना है, और वो रिपोर्ट है परमेश्वर का कलाम. हालेलुया. एंड देन उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो परमेश्वर हैं वो
हमारी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि इंटरेस्टेड वो हमारी आत्मिक स्वास्थ्य के लिए है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ बिलीवर्स हैव कम यू नो प्रार्थना करने के लिए आते हैं. वो कहते हैं कि आप मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करो, बट खुद कलाम नहीं पढ़ते. परमेश्वर मर्जी है जो परमेश्वर का जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो उसके कलाम में है, उसके कलाम के अंदर है यू नो. और जो परमेश्वर है आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना उसमें भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना वो आपके आत्मिक स्वास्थ्य में इंटरेस्टेड है. यू नो क्राइस्ट इज नॉट अबाउट, इफ क्राइस्ट वॉज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग ही वुडंट हैव यू नो डाइड ऑन हिज फिजिकल बॉडी अपॉन द क्रॉस. आई रिपीट, अगर सिर्फ परमेश्वर और यीशु मसीह जो हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, अगर ये सिर्फ आत्मिक आपको शांति देने के लिए आए थे तो वो अपनी फिजिकल बॉडी को यीशु मसीह सलीब के ऊपर आपके और मेरे लिए कुर्बान नहीं करते, वो आपके और मेरे लिए अपना लहू नहीं बहाते. गॉड वुड हैव फाउंड अ वे टू इराडिकेट ऑल आर स्पिरिचुअल यू नो सिंस, बट गॉड केम एंड ही डाइड. आदम और हवा ने स्पिरिचुअली नहीं फिजिकली भी पाप किया था, एंड दैट इज द वेरी रीजन यू नो the body in the flesh of Jesus Christ was nailed on the cross so that is the reason he is capable of overcoming our sins and also our sicknesses on the because of his death and resurrection. So ek jo तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक जो वायदा परमेश्वर के वचन में है परमेश्वर उसको हमारे जीवन में करने के लिए तत्पर है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि हर एक जो वायदा हमने पढ़ा, हर एक अच्छी चीज के लिए परमेश्वर अपने विश्वासियों को क्या कहते हैं, हाँ और आमीन, हालेलुया. और अगर परमेश्वर हर एक विश्वासी को हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, वो परमेश्वर कभी भी हमारे और आपके हमारे और आपके लिए हमारे जीवन में जो अगर हीलिंग हो हमारे जीवन में जो हीलिंग होनी चाहिए उसको करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं. एवरी प्रॉमिस दैट गॉड इज मेड फॉर यू एंड मी दिस इवनिंग टाइम ही इज रियली एक्साइटेड टू डू इट फॉर यू एंड मी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू एंड मी हाउ मच वी वॉन्ट टू रिसीव इट दिस इवनिंग टाइम. This evening time, I want you all to focus कि ये जो कलाम है इसकी सारी promises मेरे लिए हाँ और आमीन है. और अगर ये हाँ और आमीन है इस कलाम की सारी promises आपके और मेरे लिए, तो कोई भी अच्छी चीज़ परमेश्वर हमसे वंचित नहीं रखना चाहता. It is important that we need to understand every promise जो है जो परमेश्वर की हमारे लिए है वो हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है. और उसमें और ये जब तक हम और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा विश्वास जो है वो ही कार्यरत होकर चंगाई में तब्दील होता है. हमारा जो विश्वास है, when we have faith in God, that turns into action and that is what turns into a healing. So it is important, लेकिन ये सब होने के लिए करना क्या है हमें? What do we do that we receive it completely? What do we do that we receive God's word fully? God's word, you know, it is like a seed and it is important, you know, for our mind to be renewed, हमारे मन का जो नवीनीकरण होना है वो बहुत बहुत जरूरी है. रोमियो अगर पढ़ें, रोमियो 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़ें, वहां लिखा है कि फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. एंड यानी सुनना परमेश्वर के वचन सुनना जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है.
हालेलुया। बट एंड आर हीलिंग, जो हमारी जितनी भी हीलिंग है टुडे, यू नो वी आर लुकिंग एट लॉट ऑफ हीलिंग। देर इज कोरोना अराउंड एंड देर इज सो मच सिकनेस अराउंड अस, यू नो देर आर पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स दैट आर हैपनिंग ऑन आर बॉडीज, बट गॉड्स विल इज टू हील हिज चिल्ड्रन। गॉड्स विल एंड हिज you know his will is to you know give us a mind that is renewed। और मैं बताती हूँ, ये healing हमें receive करने के लिए, ये जो supernatural healing है हमें receive करने के लिए, हमारे मन का, हमारे हृदय का नया होना बहुत ज़रूरी है, है ना। बाइबल रोमियो 12 उसके 2 अध्याय में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का अनुभव मालूम करते रहो। सो एंड व्हाट इज गॉड्स विल, वी सेड इट इज हिज विल इज दैट हिज चिल्ड्रन शुड बी हेल एंड हेल्दी। He did not create us to destroy us. Our, do you think our God created us to destroy us? No, my dears. He never created us to destroy us. Balki, He wanted to give us a life. He wanted to give us, you know, hope. He wanted to give us future. This evening time, I want you to focus on the fact that the word is a seed. जो कलाम है वो एक बीज की तरह है। जब मैंने पिछले हफ्ते जो सेशन लिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सीड है उसके, वो सीड जो है उसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है, यू नो। एंड आई ऑल्सो मैंशनड कि वेर आई लिव देर इज अ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देर, यू नो देर इज, आई मीन एक सीड के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है। आप जितना मर्जी रिसर्च कर लें, यू मे, इट इज गुड to have knowledge about Bible, you can be filled with God's knowledge, you know, but जब तक आप उस बीज को अपने दिल में नहीं बोएंगे तब तक वो फलवंत नहीं होगा, तब तक उसमें कोई हार्वेस्ट नहीं आएगी। सो टुडे इवन एज यू नो वी आर मेडिटेटिंग ऑन healing, let us see how this healing comes. So the first step, that the way healing comes is, you know, to by reading the word of God. We just read, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Yani vishwas jo hai parmeshwar ke vachan ko sunne se hi utpann hota hai. Hallelujah. Aur hame bahut zaruri hai ki jo hamari jo heart hai, right, we have to sow the word of God in our heart this evening time, you know। Agar hum parmeshwar ke vachan ko uske beej roopi vachan uske jo usko vachan ko jo hai apne dil mein nahi boenge to you know looking for a harvest jahan pe humne boya nahi hai, kya hum jahan pe bote nahi hai wahan pe hum phal की वेट कर सकते हैं कि झाड़ उगेगा? नेवर, इट इज गोइंग टू हैपन, राइट। सो फॉर अस, यू नो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सीड इज प्लांट, सीड ऑफ गॉड्स वर्ड इज प्लांटेड इन आर हार्ट, राइट, विदाउट एनी डाउट। सो इफ यू हैव डाउट्स अबाउट, इफ यू प्लांट अ सीड एंड यू हैव डाउट अबाउट इट कि अभी ये ठीक है, तो इट इज, दैट इज, दिस इज द वेरी रीजन, यू नो, हमारी हीलिंग नहीं हो पा रही है लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो है वो सीड जो है वो प्लांट कर रहे हैं और फिर परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद हम प्रार्थना क्या करते हैं, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हुई तो ठीक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी इच्छा हुई तो कल का दिन दिखाना, अगर आपकी इच्छा हुई तो मुझे अच्छी नौकरी देना, आपकी इच्छा हुई तो मेरी बीमारी को दूर कर देना। वी डोंट अंडरस्टैंड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इट इज़ गॉड्स विल टू कीप अस हेल्दी, कीप अस फिट, कीप अस फाइन। इट इज़ गॉड्स विल दैट ही वॉन्ट्स हिज चिल्ड्रन, यू नो, टू बी लाइक द trees that are planted by the living water. This evening time we want to focus that we need to, you know, pray without a doubt. अगर हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद संकोच करेंगे, हमारे जो words है ना, हमारे actions से match नहीं करेंगे। It is important कि हम हमारे जो actions हैं और हमारे words हैं ना, उनको match करें to live a Christian life.
अगर हमारे वर्ड्स हमारे एक्शन से मैच नहीं करेंगे तो वी आर नेवर गोइंग टू रिसीव गॉड्स प्रोमिसेज इन आवर लाइफ. एंड इट इज़ नॉट जस्ट ओके अबाउट यू नो फिजिकल हीलिंग, इट इज़ ओके फॉर आर स्पिरिचुअल हीलिंग एज वेल. इफ आर वर्ड्स डू नॉट मैच आवर एक्शंस, हमारे जो अगर हम प्रार्थना करेंगे हे प्रभु हमें चंगाई दे और अगले दिन बोलेंगे कि अपने सिम्टम्स को चेक करने ले जाएंगे, अच्छा बुखार कितना है 102, ओके अच्छा अभी आज कितनी बारी मैं खांसी हूँ, ओके अच्छा इतनी बारी खांसी हूँ, मेरा सैचुरेशन लेवल तो 90 से कम है, 84 अभी अभी 90 है, 90 प्लस है, 90 प्लस होना चाहिए, है ना. ऑल दी थिंग्स व्हाट आर वी डूइंग, बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन एंड मेडिटेटिंग अपॉन सिम्टम्स ऑफ आर डिसीजेस, वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन गॉड्स विल. देर मस्ट बी सो मैनी पीपल यू नो दैट हु आर डूइंग दिस दिस इवनिंग टाइम एज बिलीवर्स, कि हम लोग जो हैं जब हमें बीमारी होती है तो हम हमारी बीमारी पर फोकस करते हैं, हम कलाम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम करना नहीं चाहते शायद, हम करना नहीं चाहते कलाम के ऊपर फोकस. एंड दैट इज द वेरी रीजन हैपनिंग टुडे. सो इफ यू वांट योर हीलिंग, दिस इज हीलिंग फॉर योर इवन बॉडी एंड आल्सो फॉर योर सोल, लेट आर वर्ड्स मैच आर एक्शंस. इफ यू आर लुकिंग फॉर सम चेंज इन आर लाइफ, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फिजिकल हीलिंग एंड वी आर प्रेइंग अबाउट इट डे एंड नाइट, लेट Only His praise come out of our lips. Let His praise not depart from our lips. Hallelujah. And also, then we will see with our eyes कि हमारा जो faith है, हमने जो विश्वास किया है वो हमारे action में जब हमने तब्दील किया तो वो action में तब्दील करने के कारण वो कार्यरत हुआ. That means you believe in it. You believe in it, that you believe that God's promises are yes and amen for you, and then you receive healing in your, and you don't doubt about it. The second point is you don't doubt about it, and the third point is that you start receiving it because you have believed it without doubting. बिना संकोच की प्रार्थना, I mean मांगा परमेश्वर से. I'm believing it 100%. So if you have doubts, we can never yield results. We can never yield results. So what do we do? What do we do? So let us read Proverbs 4. I am ये नीति वचन पढ़े उसका चौथा अध्याय. I'm sorry, मैं बीच बीच में English में हिंदी में थोड़ी सी stammer कर जाती हूँ. नीति वचन उसका चौथा अध्याय और उसकी 20 से 22 आयत में पढ़ूंगी. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. अपने कान को कहाँ लगाना है, उस पे कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं. इट सेज कि अपने कान को मेरी बातों पर लगा, अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होती हैं. हालेलुया. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, राइट. ही एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर दिस इवनिंग टाइम फॉर यू एंड मी, राइट. कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारे कान कहाँ होने चाहिए. हमारे कान होने चाहिए परमेश्वर के वचन की ओर, ना कि उसकी ओर कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सैचुरेशन लेवल कम हो गया है, ना कि ये कह रहे हैं कि चलो इनका शुगर भी बढ़ रही है. एवरीथिंग लेट अस फोकस दिस इवनिंग टाइम, लेट अस मेक इट अ पॉइंट दैट वी फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड दिस इवनिंग टाइम एंड नॉट ऑन वॉट एज जैसे हमने पहले भी कहा कि वी शुड बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट इन द रिपोर्ट ऑफ द मैनकाइंड. एंड दिस इज वॉट विल ब्रिंग हेल्थ टू आर फ्लैश.
दिस इज वॉट यू नो, उसने कहा कि अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी, अटेंड टू माई वर्ड्स एंड इंक्लाइन दाई ईयर्स टू माई सेइंग्स। यू नो वॉट इज गॉड सेइंग अन टू यू? Let us incline our ears towards what God is saying to us than, you know, inclining our ears than what the world is talking about us. Let them not depart from your eyes. Let our symptoms, you know, not, you know, take away our concentration from the word of God, which is what? Health to our bones. Hallelujah. And keep them in the midst of your heart. In the middle of our heart, hame kya rakhna hai? Ki hame Parmeshwar ke kalam ko rakhna hai. Jesus should be the center of your heart, for they are life unto those that find them and health to their flesh. So God wants to promise us health. These three things we need to understand: an attentive ears to God's words, and then a steadfast look, you know, on God's word. And also a heart that can hold them. Like I told you, if your heart is holding God's word, there is nothing, there is no blessing, you know. I mean, if you don't have अगर आप सोचते हैं कि मेरे को कलाम याद नहीं होता, यू कैन ट्राई योर मदर टंग, यू कैन ट्राई, यू नो, आप थोड़ा थोड़ा कलाम, एटलीस्ट जो एसेंशियल कलाम है, उसको मेमोराइज करना शुरू करें, उसको थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करें। जब आप कलाम को याद रखेंगे तो वो अपने आप ही आप में कार्यरत होगा और वो फल लाएगा। एंड यू नो वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू अटेंड टू आवर वर्ड्स। व्हाट डज अ सोअर डू? देर आर थ्री थिंग्स आई हैव लर्नड इन लाइफ। वन थिंग इज, यू नो, वी प्रे। व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम, व्हाट डू वी डू? वी रन टू गॉड एंड वी प्रे, यू नो। देन What do? We, you know, हम घबरा जाते हैं पहले, उसके पहले कुछ भी सिचुएशन आती है। देन what do? We pray, we work towards it, ठीक है? I mean, जैसे I'm not saying कि don't go to doctors, we should go to doctors, because इनको उनको भी जो इंटेलिजेंस है वो खुदा ने ही दी है। So we should go to doctors, show it to a doctor, then come back, pray about it, and then then the thing is, you know, then we need to pray about it, and then we need to, उसके बाद में third step होता है, we need to rest about it। जब हमने बीज को दिल में गाड़ दिया, ठीक है, farmer जो है, जब वो कलाम, जब वो seed को जमीन में गाड़ देता है, उसको नहीं पता उसको nourishment कहाँ से मिल रही है, उसको नहीं पता उसको nutrition कहाँ से मिल रहा है, उसको नहीं पता वो पानी कैसे सींच रहा है उसके अंदर, वो पानी कैसे absorb रहा है। He doesn't know. वो बार बार गड्ढा खोद के देखता नहीं है कि ये अच्छा इसके अंदर अभी कौम आई कि नहीं। He doesn't do that. Farmer नहीं करता ऐसे। And you know, farmer doesn't go back and dig into the soil. The same way, when you have prayed about a situation, you know, हम लोगों को उसके ऊपर, अगर हम लोगों को उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने प्रार्थना करी है, तो परमेश्वर जरूर हमारी इसको प्रार्थनाओं को सुनेंगे। लेट अस प्रे कॉन्फिडेंटली दिस इवनिंग टाइम, है ना? सो द थिंग इज, यू हैव टू सो द राइट। सो हमने क्या सीखा? द थिंग व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट वी हैव टू जस्ट, यू नो, वी हैव टू नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज इन द सिचुएशन। Whatever the situation is, we have to run to God, कि हमको परमेश्वर के पास जाना है और उससे you know, उससे सीख उसको बताना है कि इस तरह है। And then we have to, you know, even show it to the doctors. Doctors are intelligent people. They are, you know, sacrificing their life and, you know, fighting for you and me on the, as a frontline worker. So let us take medicines, let us take whatever the prescription is, लेकिन इसके साथ साथ हमें वचन के कलाम को रखना है अपने दिल में, वचन को अपने दिल में रखना है, और वचन को दिल में रखने से ही चंगाई आएगी, यू नो, उसी को बोना है अपने जीवन में। अगर हम वचन, अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, वो आते हैं, बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, ठीक है, दिल में रखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों की जो चंगाई है ना, वो टेम्परेरी होती है, हो सकता है वो थोड़े दिन के लिए, वो यू नो, थोड़े दिन के लिए हो। देन वॉट वी नीड टू डू इज, वेन वी आर प्रेइंग,
वी डोंट हैव टू डाउट एंड देन यू नो जो भी हमको परमेश्वर ने हमें हमारे लिए जो हीलिंग रखी है उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसको हमारे दिल में बोना है एंड देन इट विल बिकम फ्रूटफुल. हमने पढ़ा कि जब हम समझ ले सब जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक विश्वास कार्यरत होकर चंगाई में तब्दील नहीं होता. इसीलिए हमें परमेश्वर के कलाम को उसकी इच्छा को समझना बहुत ज़रूरी है. और जब हम उसके कलाम और उसकी इच्छा को समझने लग जाते हैं कि उसके जो प्लान्स हैं हमारे लिए हानि के नहीं हैं बल्कि लाभ के हैं, तब तक हमारा माइंड रिन्यू नहीं होता, हमारा मन का नवीनीकरण नहीं होता. और अगर हमारे मन का नवीनीकरण नहीं होता हमारे लिए नई नई चीज़ें नहीं हो सकती, हमारे लिए नई नई चंगाइयाँ नहीं आ सकती, हमारे लिए यू नो हमारा जब तक हृदय इस तरह का नहीं होता, क्योंकि जो मन है हमारा वो बहुत चंचल है और वो क्या करता है, इट गोज एंड इट लुक्स बैक टू द सिम्टम्स, इट गोज बैक एंड इट लुक्स बैक इट यू नो अभी क्या हो रहा, अभी कितना टेम्परेचर है, अभी मेरा कितना सैचुरेशन लेवल है, अभी मेरा कितना कितनी मेरे को छींक आ रही है, कितना कॉफ आया है ना, कितना मेरा टेस्ट गया कि नहीं गया है ना, मुझे स्मेल्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं, इस तरह की चीज़ों पर हम लोग फोकस करने लग जाते हैं. देन यू नो ऑन द वर्ड ऑफ गॉड विच सेज दैट यू नो यू आर हील्ड, I will send forth my word and heal you. उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा मैं चंगाई मिली, मुझे चंगाई मिली है. He is the son of righteousness who would rise in healing for you and me. We do not focus on these words. And let us वो हमारे प्राण प्राण और हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है. Let us focus on God's word this evening time. You know, and once you sow the seed of God's word in your heart, without a doubt, हमने तीन चीजें बोली, उसके अपने कानों को दुनिया की बातों के ऊपर नहीं, दुनिया की रिपोर्टों के ऊपर नहीं लगाना, हमने परमेश्वर की बातों के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर, उसकी हमारे लिए प्रोमिसेस के ऊपर लगाना है. सेकेंड थिंग, वी हैव टू लुक एट गॉड, वी हैव टू नॉट लुक एट मैन फॉर आर हेल्प. यू नो वी नो आर हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु क्रिएटेड द हेवन्स एंड द अर्थ. गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द अर्थ, द हेवन्स एंड द अर्थ. तो अगर वही गॉड जिसने आपको और मेरे को बनाया, क्या वो हमें चंगाई नहीं दे सकता? हाउ हार्ड यू थिंक फॉर गॉड टू हील यू एंड मी दिस इवनिंग टाइम. देन थर्ड, मी टू हैव हार्ट दैट होल्ड्स गॉड्स वर्ड. जब हम परमेश्वर के कलाम को अपने दिल में रखने वाले बन जाएंगे तब वो अपने आप ही कार्यरत होना शुरू हो जाएगा, तब उसमें से अपने आप ही फल निकलेंगे. हालेलुया. एंड देन यू नो बिकॉज एंड वंस हमने एक बार ही उसके लिए प्रार्थना कर दी, हमने वो बीज बो दिया कलाम का अपने ज़िंदगी में, हमें उस कलाम के ऊपर ड्वेल करना है, हमें अपनी बीमारी के ऊपर ड्वेल नहीं करना. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डू दिस ऑल्सो. तो वी हैव टू नॉट ड्वेल ऑन आर सिकनेसेस बट वी हैव टू ड्वेल ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. एंड यू नो बिकॉज वंस वी हैव सोन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फार्मर है उसने जो कर दिया, वो उसके बाद बार बार नहीं जा रहा वो गड्ढा खोदने के लिए, देखने के लिए वो कितना उगा है कितना नहीं. यू नो वो पक्का उगेगा. विश्वास यही है मेरे भाइयों और बहनों. इट इज़ अबाउट यू नो थिंग्स दैट वी डोंट सी. इट इज़ अबाउट यू नो वो इट इज़ अबाउट यू नो थिंग्स दैट जो ये विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. और अगर विश्वास आपका मेरा विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है तो ज़रूर वहाँ पे फल आएगा. हालेलुया. Let the word of God be planted in our hearts this evening time. Let us not doubt that God does not have plans to prosper us. हमने मूसा का जो था, मूसा के जो जब लोग ग्रंबल किया करते थे तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने बोला वहां पे सांप फेंक छोड़ दिए. वो सांप जाकर वो लोगों को डसा करते थे और जब वो लोगों को डसा करते थे लोग रोते रोते मूसा के पास आते थे. यू नो दे पीपल वर यू नो कमिंग टू मोसेस कि हमको राह दिखा. और मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू एक सर्पेंट बना, वो सर्पेंट को तू वहाँ पे लगा, एक सांप का ब्रॉन्ज का एक सांप बना और तांबे का, और वो तुम उसको लगाओ, जो कोई उसकी ओर देखेगा वो चंगाई पाएगा. टुडे जो हमारी जो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो मेडिकल एसोसिएशंस जो हैं उनके भी जो जो साइनेज है, इट इज़ द सेम ब्रॉन्ज स्नेक. बट वी हैव फॉरगॉटन यू नो हम लोग
हम लोग जो है परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं अपनी परिस्थिति में कई बारी. ही इज ऑलवेज देयर, देर इज ऑलवेज लाइफ इन जीसस, यू नो, बिकॉज जो जो और जिन लोगों ने भी, जिनको भी उस सांप ने काटा, जिन्होंने भी अब अपनी आंखें ऊपर उसकी ओर उठा के देखी, वो बचाए गए, वो बचाए गए. और दैट वॉज वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, कि जो परमेश्वर था, जो यीशु मसीह थे, वो उनको सलीब के ऊपर, जब वो सलीब के ऊपर लटकाए गए, वो सलीब के ऊपर वो उन्होंने भी वो आई मीन जो कोई उस सलीब की ओर देखता है, उसकी कुर्बानी की ओर देखता है, वो बचाया जाता है, है ना. देर इज लाइफ इन जीसस, देर इज लिबर्टी इन जीसस, देर इज लाइट इन जीसस, देर इज जॉय, देर इज गाइडेंस, यू नो, देर इज विजडम इन जीसस, देर इज अंडरस्टैंडिंग इन जीसस, यू नो, देर इज, यू नो, यानी परफेक्ट हेल्थ इन जीसस क्राइस्ट. लेट इज नॉट दिस इवनिंग टाइम, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट इज नॉट डाइड, लेट इज नॉट, यू नो, सॉरी, लेट इज नॉट जस्ट, यू नो, डाउट आवर फेथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो उसको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता, है ना. ही हु ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट हैज नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ हिज कॉन्फिडेंस. लेट अस हैव कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट, यू नो, लेट अस हैव, यू नो, एंड दिस सेशन, यू नो, विल, आई एम जस्ट प्रेइंग एंड होपिंग दैट इट विल नॉट जस्ट ब्रिंग यू हीलिंग, दैट इज, यू नो, दैट इज समथिंग, यू नो, just physical. Even if you have come here with a physical point of view that I'll receive physical healing this evening time, let us all also pray to the Lord this evening time that it will also bring healing to our soul. And also, if you are okay and you are just listening this, you know, listening to this word this evening time, let us also pray that, you know, if there is anybody who is in need of a spiritual or a physical healing, should be healed as we pray for them this evening time. This is the time we will all pray and we'll all get into the time of prayer. और अगर आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं, यू कैन जस्ट टाइप एंड आई विल प्रे फॉर यू. वी कैन ऑल प्रे टुगेदर. आई विल बी प्रेइंग फॉर ब्रदर बंगा साहब्स डॉटर दिस नाउ. थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज के कलाम के लिए पिता परमेश्वर, की जब हमने अपने दिल में पिता परमेश्वर आपके बीच को बोया है, तो हम उसमें संकोच ना करें कि वो फलवंत होगा. लॉर्ड, दिस इवनिंग टाइम हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस भी प्रकार की हीलिंग लॉर्ड मास्टर यहाँ पे आपके लोग खोज रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर, दैट लेट देम रिसीव दैट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, बिकॉज यू आर द सन ऑफ राइचसनेस हु कम्स विद हीलिंग इन हिज विंग्स. दिस इवनिंग टाइम आई प्रे फॉर आर डियर ब्रदर्स बंगाज डॉटर, लॉर्ड मास्टर, शी इज गॉट लो विजन दिस इवनिंग टाइम. लॉर्ड, वी प्रे दैट यू वुड टच हर, लॉर्ड मास्टर, विथ योर राइट राइचस हैंड. लॉर्ड, योर वर्ड सेज दैट आई विल सेंड फोर्थ माई वर्ड एंड हील यू. लॉर्ड, this evening time, won't you send forth your word and heal her. Lord, we pray, Lord Master, for people, Lord, who are seeking your face this evening time. We pray, Lord, that you would, Lord Master, Lord, pour out your spirit upon your people, Lord Master. Pour out your word upon your people, Lord Master. Even as people who are believing, Lord Master, in your healing, let Satan, Lord Master, not try to, Lord Master, play mind games, Lord, with them, Jesus. Lord, and let them be able to defeat that enemy, Lord Master. Defeat the schemes of the enemy, Lord Master, by your word. Because it is by your living word that we prevail, Lord Master. Because, Lord Master, you died for us 2,000 years ago. We believe that healing is already, healing is something that is already given to us. Healing is something, Lord Master, that is already on its way. Lord, it is your will that your people be healed, Lord Master. Main tere pran 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 aur haddi haddi ki raksha karne wala Parmeshwar hoon. Lord, won't you save souls, Lord Master, this evening time. Lord, that you would bring healing of our bodies and of our souls.
soul this evening time. We thank you, praise you, Lord, for everybody who's joined in over here. Jesus, we pray, Lord Master, for Sister Sarah Soni. We pray, Lord Master, for Brother Jagannath. We pray for Sister Agnes. We pray for Sister Amandeep, Jesus. Lord, we pray for Yashwant Kokni, Lord. We pray, Lord Master, for Jagannath Singhi. Lord, for everybody who's joined us, for Kiran Bilar, Lord Master. This evening time, Lord Master, I pray, Lord Master, whosoever is watching us online this evening time, Lord, that you would give them double portion of blessing, that whatever is sown, Lord Master, bring multitudes of fruit, Lord Master, unto your kingdom this evening time. We thank you, praise you, Lord, that you have created us. We thank you, praise you, Lord Master, that you are the medicine, Lord Master, that you humbled yourself, Lord Master, and came down on earth and died on the cross 2000 years ago, that we may receive healing and healing in full measure, Lord Master, of our body and of our mind and of our soul, Lord Master. We thank you, praise you this evening time, Lord, for touching us, for being with us, for, Lord Master, healing us, Lord Master, this evening time. We thank you, praise you, Lord, and we bless everybody, Lord Master, who's joined in here. In Jesus' most precious and mighty name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं हम यीशु मसीह के नाम में कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया और हम आपके जैसे स्पेशली ब्रदर बंगा आपकी डॉटर के लिए जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है वी विल कंटिन्यू to pray for her this evening time. May God bless you all even as you continue to worship the Lord. Thank you, everybody, once again.